8870 शेयर है जी। हेलो, कितने शेयर है एचडीएफसी एएमसी के? 870 सर। 870 हाँ, बाइंग प्राइस है सर 2812 रुपए। ठीक है ठीक है, इस पर राय लेते हैं। शर्मिला मैम, एच डी एफ सी एएमसी पर राय दीजिए। खरीद भाव है 2812 रुपए की और 2000 रुपए के आसपास का शेयर है। लगातार हमने देखा है कि जो म्यूचुअल फंड के जो कारोबार वाली जो कंपनियां हैं वहां पर कहीं ना कहीं हमने एक बड़ी तेजी देखी थी, लेकिन वैल्यूएशन वाले कंसर्न सामने आ गए, उसके बाद हमने उसमें प्रेशर भी देखा। आप यहां से आप कैसे देख रही हैं पूरा सिनेरियो इन कंपनीज के लिए, खासतौर से एच डी एफ सी एएमसी के लिए? आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, दो चीजें एक्चुअली। एक तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि यू नो स्टॉक मार्केट्स आर बिकमिंग सॉर्ट ऑफ मोर प्रेफर्ड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से सीडीएसएल के डीमैट अकाउंट्स एक्सेट्रा में इंक्रीज हुआ है ये पिछले दो सालों में, ज्यादा से ज्यादा लोग इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक जो फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि म्यूचुअल फंड के एयूएम्स कैसे बढ़ रहे हैं। सो और उसका एक हिस्सा हमेशा एक बड़ा देयर ओवरऑल अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे तो एक बड़ा हिस्सा डेट में रहता है, लेकिन एक कंपोनेंट इक्विटी रहता है विच इज ऑल्सो बीइंग इंक्रीजिंग। सो दिस सर्टेनली मीन्स कि ज्यादा ज्यादा लोग अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एस आई पी नंबर देखेंगे एवरी मंथ दैट इज ऑल्सो वेरी हार्टनिंग। सो एंड ये अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव। सो आई थिंक इस तरह की कंपनीज के लिए ग्रोथ काफी अच्छी है आगे चलकर, और तो आपको बने रहना। कोई और स्टॉक्स आपके पास पोर्टफोलियो में? सर दूसरा स्टॉक है मेरे पास एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 1108 रुपए पे लिया सर। एचडीएफसी बैंक 1108 रुपए पर लिया था, और हालांकि हाल फिलहाल जो भी स्टॉक में जो करेक्शन आया उसके बावजूद भी अभी आप मुनाफे में हैं, तकरीबन प्रति शेयर देखा जाए तो 300 रुपए के आसपास का। एचडीएफसी बैंक इस पर शर्मिला मैम आपका क्या व्यू होगा? वेरी पॉजिटिव, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया है और इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगेन आई थिंक कि अगर उनके आप नंबर्स देखेंगे दे आर ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 18% एवरी क्वार्टर। जो साइज ऑफ बैंक का हो गया है टू ग्रो एट 18% इज नॉट अ स्मॉल नंबर एट ऑल। और उसके साथ साथ अभी जो उन्होंने मर्जर की बात की है विद देयर पेरेंट एचडीएफसी, वो बैंक को अलग लेवल पे जाके रखेगा यू नो इन टर्म्स ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देयर नेम्स एक्सेट्रा। तो यू नीड टू स्टे इन्वेस्टेड इन द बैंक टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दैट, तो बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, तो ये थी आपके दोनों ही एचडीएफसी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे आपको राय दे दी गई है। पर चलिए व्हाट्सएप क्वेरी शामिल करेंगे। मिनेश जी का सवाल आया है, ऑटोपैक से जुड़ी कंपनी मदरसन सुमी पे राय जानना चाहते हैं। 90 शेयर्स होल्ड करते हैं और 180 इनकी बाइंग प्राइस है। अजीत जी आप कैसे देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में मदरसन सुमी को, क्योंकि जब इनका डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस अलग हुआ था उसके बाद से ही अगर इस पर्टिकुलर काउंटर की भी बात करें तो एक लगातार गिरावट का ही ट्रेंड दिखा रहा है। जब ऑटो बिक्री के आंकड़े आए वो भी पूरे ऑटो पैक को कुछ बहुत ज्यादा सहारा नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं, ये काउंटर पे आपकी क्या राय होगी? देखिए बिल्कुल काफी यू नो सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर इसमें दिख रहा है, और ऑफ लेट भी इसमें एक अटेम्प्ट हुआ था एक रीबाउंड का जो कि फेलियर हुआ है, और इंडिकेशंस तो यही है कि ये नेगेटिव थोड़ा सा एक्सटेंड करेगी और 120 के अराउंड पे जाते हुए शायद ये स्टॉक आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल अगर नियर टर्म का नजरिया है तो 120 मेरे हिसाब से काफी मेकअप ब्रेक बड़ा मेकअप ब्रेक लेवल है, तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 133 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। अब बाउंस के केस में 146 से लेकर 165 का जोन, इस जोन के बीच में आपको एग्जिट करने की कोशिश करनी होगी, बिकॉज 180 जो आपकी बाइंग प्राइस है वो काफी ऊपर का लेवल है, मुझे लगता है कि काफी टाइम लगेगा। तो रादर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे कि बहुत अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं यू नो अक्रॉस सेक्टर्स, आप या तो उनसे शिफ्ट कर लीजिए या फिर 120 के स्टॉप लॉस के साथ वेट करिए फॉर अ टाइम बीइंग, और जब भी आपको बाउंस मिलता है 146 से 165 की रेंज में यू शुड एग्जिट।